गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन थर्ड विच इज अ पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ पोएट ऑफ नेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नेचर से बहुत लगाव था और वो नेचर के बहुत करीब थे। उन्हें नेचर के बारे में लिखना पसंद था। दिस पोएम ऑल्सो रिलेट्स टू द नेचर। इस पोएम में भी पोएट ने नेचर को प्रेजेंट किया है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। हियर इज अवर फर्स्ट स्टैंजा। हूज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। हिज हाउस इज इन द विलेज दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। वुड्स मीन्स जंगल। Whose woods these? मतलब ये जंगल किसके हैं? I think मैं सोचता हूँ, I know मैं उसे जानता हूँ। His house is in the village। जिसके ये जंगल हैं, वो गांव में रहता है। दो, He will not see me stopping here। इसलिए क्योंकि वो जंगल में नहीं, गांव में रहता है, इसलिए वो नहीं देख सकता कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। To watch his woods। कि उसके जंगलों को देख रहा हूँ। फिल अप विद स्नो, जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। जंगलों में गिरती हुई बर्फ को मैं देख रहा हूँ, इस बात का पता जंगल के मालिक को नहीं लगेगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर। यहाँ फ्रॉस्ट के साथ उसका घोड़ा भी है और वो कहते हैं कि मेरा छोटा सा घोड़ा भी यह सोच रहा होगा। To stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. कि कितनी अजीब बात है, आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है, फिर भी यहाँ उसका मालिक means poet जंगल और जमी हुई झील के बीच रुके हुए हैं। डार्केस्ट इवनिंग मीन्स यहाँ पोएट हमें टाइमिंग के बारे में भी बता रहा है। यहाँ से हमें समय का पता चल रहा है कि वो समय शाम का है और ये उस साल की सबसे काली शाम है, मतलब उस दिन बहुत ज्यादा ठंड है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and drowny flake। यहाँ he का यूज घोड़े के लिए किया गया है। तो घोड़ा अपनी हार्नेस बेल को बजाता है। हार्नेस वो होती है जिसे पकड़कर घोड़े के ऊपर चढ़ा जाता है। तो घोड़ा अपनी हार्नेस बेल को हिलाता है ये पूछने के लिए कि कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि उसको भी बड़ा अजीब लग रहा है कि जो पोएट है वो रात के अंधेरे में एक वीरान जगह पर खड़े होकर जंगल को देख रहे हैं। उस हार्नेस बेल की आवाज के अलावा एक और आवाज वहां आ रही है और वो आवाज बर्फ में चल रही हवाओं की है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जिस जगह पर पोएट खड़े हैं वहां जंगल बहुत लवली लग रहा है। डार्क एंड डीप, घना और गहरा। बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप। यहाँ पोएट कहता है कि वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि उसे बहुत सारे वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो, और उसे बहुत बड़ा लंबा सफर तय करना है। बिफोर आई स्लीप, स्लीप वर्ड यहाँ डेथ के लिए यूज हुआ है। तो अपनी मौत से पहले उसे बहुत सारे वादे पूरे करने हैं और उसका सफर बहुत लंबा है। आई थिंक दिस इज अ सिंपल पोएम एंड यू अंडरस्टैंड अबाउट इट क्लियरली।